क्या आप जानते हैं मशहूर महारानी गायत्री देवी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। वो दोनों एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानती थीं। जयपुर की महारानी गायत्री देवी दुनिया की 10 सबसे सुंदर महिलाओं में से एक चुनी गई थीं। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के टिकट से जयपुर लोकसभा का चुनाव लड़ा और जब वो चुनाव के मैदान में उतरी तो रिकॉर्ड तोड़ वोट हासिल कर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा लिया। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को गायत्री देवी की संसद में मौजूदगी बर्दाश्त नहीं थी। खूबसूरत, बुद्धिमान, राष्ट्रीय ठाट बाट और जीने का शाही अंदाज, ये सब इंदिरा गांधी को चुभता था। पार्लियामेंट में गायत्री देवी की मौजूदगी से इंदिरा गांधी को बहुत चिढ़ थी। इंदिरा अपने से ज्यादा सुंदर और समझदार महिला को हजम नहीं कर पाई और संसद में उसका अपमान करते हुए उसे बिच और ग्लास डॉल तक कहा। ये रंजिश इतनी ज्यादा थी कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी को जेल में डलवा दिया। इवेंचुअली जेल से छूटने के बाद गायत्री देवी ने राजनीति से किनारा कर लिया। इतिहास के पन्नों से निकाल कर हम ऐसे ही कई तथ्य आपके सामने लाते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।